हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ देवास से सरल सोनी जी जुड़ गए हैं जो कि 2019 से फैंटेसी में है। और सरल सोनी जी काफी समय से फैंटेसी खेल रहे हैं और परफेक्ट लाइनअप का यूज भी कर रहे हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है सरल सोनी जी आपका। सबसे पहले धन्यवाद मैम। थैंक यू। सो सबसे पहले आप हमारे सभी यूजर्स को बताइए कि ये जो आपकी फैंटेसी जर्नी रही है अब तक, ये कैसी रही? मैम, मैं 2019 से स्टार्ट किया था मैंने ये खेलना। जी जी मैं ड्रीम इलेवन पे लगाता था, बट मेरी टीम जैसे रहता है ना, अधूरा एनालिसिस हो जाता है। यूट्यूब के भरोसे पहले टीम लगाता था, उसके बाद मेरे को परफेक्ट लाइनअप यूट्यूब पे से मिला। वो मेरे लिए बहुत मतलब बहुत अच्छा रहा। मैंने पहले दिन यूज किया उसको, तो पहले दिन मैं 835 रुपए विन किया था। और मैं तीसरे दिन मेरी ग्रैंड लीग की 50 लाख की जो फर्स्ट प्राइज था उसमें 621 रैंक आई थी। 621 ब्रांड मैम लीग बहुत में। अच्छा है जी मैम। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। सो सरल जी, सबसे पहले हमें बताइए कि परफेक्ट लाइनअप कैसे मदद करता है आपकी टीम बनाने में? मैम देखो, परफेक्ट लाइनअप में सबसे मतलब सबसे अच्छा बेस्ट फीचर ये है कि वो अपने को पिच रिपोर्ट पूरी बता रहा है कि कैसे बैटिंग, इस पे कितने ओवर हुए, क्या है, विकेट कैसे मिलते हैं। उसके अलावा प्लेयर रैंक बताता है कि ये बॉटम का खिलाड़ी ड्रीम इलेवन में कितनी बार ये सिलेक्ट हुआ है। और उसके अलावा जनरेट टीम का भी बेस्ट ऑप्शन है जिनको मतलब न्यू है उनके लिए। जी, आपके पास सब ऑप्शन है, आपको बनी बनाई टीम भी मिल रही है। इन केस आप अपनी खुद की टीम बनाना चाहते हैं तो आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल है, राइट? ओके, या सो सरल जी, हमें बताइए कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है टीम बनाने से पहले, मतलब ऐसी क्या चीज होनी चाहिए जो आप बिल्कुल देखना चाहिए टीम बनाने से पहले? मैम सबसे पहले तो देखिए, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए 4-5 मैच का, क्योंकि आप टीम लगा रहे हो बिना रिकॉर्ड के, तो आपको कोई भी करियर में किसी भी फील्ड में रिकॉर्ड के बिना कुछ होता भी नहीं है। और उसके बाद पिच रिपोर्ट इम्पोर्टेंट रहती है, पिच रिपोर्ट देखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जी, उसके बाद पिच रिपोर्ट हो जाती है, प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है उसके अनुसार। और थोड़ा बहुत अपन जो जनरेट टीम रहती है उसमें से भी मैं एक दो खिलाड़ी लेता हूँ, क्योंकि रिस्क भी लेना पड़ता है थोड़ा बहुत। बिल्कुल, की बात सही कही आपने, रिस्क लेंगे तभी हमें प्रॉफिट होता है। जी 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 तो सरल जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन बस यही रहेगा कि अब जो न्यू यूजर्स हैं जिन्होंने अभी अभी फैंटेसी खेलना शुरू किया है, तो उन्हें आप अपनी तरफ से क्या ऐसी एडवाइस या टिप देना चाहेंगे? मैम, मैं यही कहना चाहता हूँ ऑल यूजर्स को जो मतलब मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके परफेक्ट लाइनअप के यूज कर रहे हैं, कि कोई भी टीम हो, कोई भी यूट्यूबर दे या कोई भी दे, पर अपना रिसर्च अपना खुद का होना चाहिए उसमें। और मैम देखिए, अपने को पेड टीम लेने से अच्छा है कि आप खुद रिसर्च करो, मेरा तो ये कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, अब जैसे सरल सोनी जी भी अपना पूरा रिसर्च करके अपनी टीम बना रहे हैं, वैसे ही बाकी यूजर्स को भी अपना पूरा रिसर्च करने के बाद अपनी टीम बनानी चाहिए, राइट? जी मैम जी। ओके, सो सरल सोनी जी, ये बताइए कि अगर आपके पास ये ऑप्शन हो, मतलब कोई आपको कहे कि नहीं, बिना परफेक्ट लाइनअप के आप अपनी टीम बनाना बनाइए, तो क्या आप उसकी बात मानेंगे? नहीं मैम, क्यों मानूंगा। अपने को टीम मतलब जैसे 70 रुपए में अपने को एक मंथ पूरा एनालिसिस मिल रहा है एक ही जगह, पूरा रैंक वगैरह सब देखते पिच रिपोर्ट। उसके अलावा अपन दूसरे पेड टीम लेके, वो उनका कहना ये रहेगा कि आप मेरी पेड टीम लो, इसके बजाय अपन खुद ही रिसर्च करो ना। 70 रुपए में एक मंथ में क्या होंगे। जैसे अब मेरा एक मैंने 70 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिया जी। अब मेरी 621 रैंक आई, 700 रुपए विन हुए मेरे, तो मैम 70 रुपए तो ऐसे निकल गए ना। बिल्कुल, 10 गुना आ गए आपके पास। सो सरल सोनी जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम जी बिल्कुल मैम, यही उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही फैंटेसी खेलेंगे और जीतते रहेंगे। जी सो मैम, मेरा ये मतलब जी एक वादा है कि अगली बार आऊंगा ना आपके टीम में, जब बिल्कुल 1+1 लाख रुपए विन करके ही आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और आपका इंटरव्यू लेके हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। जी मैम जी जी ओके, सो मैं अपने बाकी यूजर्स को भी यही कहना चाहूंगी कि सरल जी की तरह अगर आप भी आपका फैंटेसी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जरूर कॉन्टेक्ट करिए। सो थैंक यू सो मच सरल जी।
एंड थैंक यू मैम, थैंक यू, जी थैंक यू ओके मैम, ओके गुड बाय गुड बाय, थैंक यू।